हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पे कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम वाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो प्रभास सालार के रूप में है, सरदराज मतरार के रूप में, पृथ्वीराज सुकुमार और आध्यात्म के रूप में श्रुति हसन, जगपति बाबू राजा मतरार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमाटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में केआरजी स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स के जीएफ चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज़ होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हमवाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मतरार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की माँ की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज़ के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स के KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को COVID-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम्बाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बाबू राजा मतरार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की माँ की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमन्नार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम्बाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, सरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्यात्म के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मद्रार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणामस्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था जो उस तारीख को रिलीज़ होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम वाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्यात्म के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मदरार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम वाले फिल्म्स के GF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज़ होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्में और हम वाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बाबू राजा मद्रार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज़ के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज़ होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम्बाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, सरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मतरार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की माँ की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणामस्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम्बाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बाबू राजा मतरार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमन्नार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में, तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स के KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हमवाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो प्रभास सालार के रूप में है, शरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मद्रार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि साला रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की माँ की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा ना की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स के KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हमवाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, सरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्यात्म के रूप में श्रुति हसन, जगपति बाबू राजा मद्रार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमाटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम वाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में, पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में, श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मतरार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम वाले फिल्म्स के GF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम वाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में, पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में, श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मतरार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स के KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज़ होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम्बाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, सरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्यात्म के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मद्रार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम्बाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मतरार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की माँ की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमन्नार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में, तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम्बाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो प्रभास सालार के रूप में है, सरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बाबू राजा मतरार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि साला रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की माँ की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हमवाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्यात्म के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मतरार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की माँ की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स के जीएफ चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज़ होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम वाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मतरार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की माँ की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणामस्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज़ के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स के KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज़ होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हमवाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरदराज मतरार के रूप में, पृथ्वीराज सुकुमार और आध्यात्म के रूप में, श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मद्रार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम्बाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरदराज मतरार के रूप में, पृथ्वीराज सुकुमार और आध्यात्म के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मद्रार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हमवाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, सरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मतरार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हमवाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मद्रार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि साला रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम वाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, सरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बाबू राजा मतरार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमाटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणामस्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम वाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज़ होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम वाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में, पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में, श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मतरार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स के KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम्बाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्यात्म के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मद्रार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स के KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम्बाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मद्रार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की माँ की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हमवाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो प्रभास सालार के रूप में है, सरदराज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मद्रार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि साला रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हमवाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बापू राजा मतरार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमन्नार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम्बाले फिल्म्स KGF Chapter 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज़ होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम वाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, सरदराज मतरार के रूप में, पृथ्वीराज सुकुमार और आध्यात्म के रूप में, श्रुति हसन जगपति बापू राजा मदरार के रूप में, वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि भुवन गुंडा सिनेमाटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणामस्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हम वाले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज़ होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। सालार प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है और हम वाले फिल्म्स के तहत विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हसन और जगपति बाबू के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो प्रभास सालार के रूप में है, शरद राज मतरार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमार और आध्याम के रूप में श्रुति हसन, जगपति बाबू राजा मद्रार के रूप में वही मधु गुरुस्वामी, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को इसके शीर्षक के साथ 2 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। एक एक्शन थ्रिलर होने के कारण फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और प्रभास के बीच पहला सहयोग और नील का पहला तेलुगु उद्यम है। अपनी भूमिका पर प्रभास ने कहा, मेरा चरित्र बेहद हिंसक है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा या किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि फिल्म नील की पहली फिल्म उग्रम की रीमेक है। हालांकि नील ने स्पष्ट किया कि सालार रीमेक नहीं है, बल्कि प्रभास के लिए लिखी गई एक मूल कहानी है। फिल्म को औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। रवि बसरूर संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि भुवन गुंडा सिनेमेटोग्राफर है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो अभिनेत्री श्रुति हसन को जनवरी 2021 में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया है। कन्नड़ अभिनेता मधु गुरुस्वामी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मार्च में अभिनेत्री ईश्वरी राव को सालार की मां की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। बाद में अगस्त में जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हो गए, जिनके चरित्र को राम राजमनार के रूप में प्रकट किया गया था। अक्टूबर 2021 में मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वार्ता में प्रवेश किया। मार्च 2022 में प्रभास ने कहा कि पृथ्वीराज अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रचार कार्यक्रम के दौरान सालार का हिस्सा है। बाद में जून में पृथ्वीराज ने कहा कि उन्होंने पटकथा के लिए हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए तारीखों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अक्टूबर 2022 में पृथ्वीराज की भूमिका की पुष्टि की गई और फिल्म पुलिस 2010 में उनकी उपस्थिति के बाद 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। श्रिया रेड्डी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी 2021 को तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर के पास कोयला खदानों में शुरू हुई। पहला शेड्यूल फरवरी 2021 तक पूरा हो गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में हैदराबाद में शुरू हुआ। सालार ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग के लिए डार्क सेटिंग थीम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। परिणाम स्वरूप फिल्म का प्रकाश पैटर्न और रंग पैलेट का रंग गहरा होगा। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो सालार 28 सितंबर 2023 को तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित की जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में KRG स्टूडियो कर रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बाद में नील और हमवाले फिल्म्स के KGF चैप्टर 2 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। मार्च 2022 में निर्माता विजय किरागंदूर ने पिंक विला के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण 2023 की दूसरी तिमाही मतलब अप्रैल से जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2022 में रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023 घोषित की गई थी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।